वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग अपना चैनल में। आज हम लोग मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये वेरी हाई क्वेश्चन सब है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये ए, मीन के थ्रू निकाला जाता है। मीन, मोड, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये तीनों के थ्रू नहीं होता है, सिर्फ मीन के थ्रू ही आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय, तो आपको पूछा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह से निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला इस लिख रखा है जिसमें चारों में से कुछ कोई एक होगा। तो सिग्मा अपॉन एक्स बार है पहला, दूसरा है एक्स बार अपॉन सिग्मा, तीसरा है एक्स बार अपॉन सिग्मा इंटू 100 एंड फोर्थ इज सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो इसका आपका आंसर होगा 4D। आफ्टर देन अब हम तीसरे क्वेश्चन को और प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फ्री नंबर, आपको पूछा यूनिट फ्री नंबर कौन सा है, तो SD है, वेरियंस है, MD एंड CV, तो इसका आंसर होगा CV। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द, तो बोलता है कि जो डेटा का जो सेट होता है वो किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। द सेम यूनिट एज द ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट, फर्स्ट, सेकंड इज स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, थर्ड इज स्क्वायर रूट ऑफ द यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो इसका कोई पहला ही आंसर होगा ए, सेम यूनिट एज द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। तो इस तरह से हम लोग चार क्वेश्चन किए। अब पांचवा क्वेश्चन को और प्रोसीड करते हैं। पांचवा क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द मीन। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट होगा कि क्यूब रूट होगा, सम टोटल होगा कि नन ऑफ अबव होगा। तो इसका पहला ही आंसर होगा स्क्वायर रूट। After then, sixth question is, standard deviation is dash measures of dispersion. तो बोलता है standard deviation किस तरह से मेजर करना चाहिए, किस वे से मेजर होता है dispersion के लिए। तो absolute पहला, दूसरा में relative, तीसरा में crude और चौथा में both A and B। तो इसका option जो है A है absolute। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल साइन इज यूज टू डोनेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो काफ़ी इजी आंसर है, इस फिर भी इसमें चार ऑप्शन दे रखा है और इसका जो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा सिग्मा के थ्रू। आफ्टर देन एट इज द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन डैश इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, लेसर, ग्रेटर, कॉन्स्टेंट या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ए, ए मतलब इसका आंसर होना चाहिए ग्रेट, लेसर, लेसर जब होगा तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये आपके कुछ 8 क्वेश्चंस थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल के थ्रू जुड़े लोग, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।